तानाशाही के दौर में तानाशाह को बार बार लगातार तानाशाह कहना, उस पर टीवी डिबेट करना और टीवी के एंकर को इंटरव्यू देना, बावजूद इसके तानाशाह का आपको कुछ ना कहना, वाकई बड़ी बात है। अगर इतने पर भी तानाशाह चुप है और देश को लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहा है, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए जिसकी तानाशाही में भारत 7,000 करोड़ का निवेश करके उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाए और अपनी रक्षा नीति को मजबूत करे। तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए जिसकी तानाशाही में भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का साक्षी बने। हमें ऐसा तानाशाह चाहिए जिसकी तानाशाही में भारतीय वायुसेना के पायलट भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। हमें ऐसा तानाशाह चाहिए जिसकी तानाशाही में 155 आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष, मेन बैटल टैंक, अर्जुन, T-90 टैंक, T-70 टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश जैसी रक्षा प्रणाली का निर्माण भारत में करे। हमें ऐसा तानाशाह चाहिए जिसकी तानाशाही में पिछले 10 वर्षों में भारत 6 लाख करोड़ के रक्षा उपकरण अपने ही देश की कंपनियों से खरीदे, जिसकी तानाशाही में आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में 4th नंबर पर आती है। हमें गर्व से ऐसा तानाशाह चाहिए। और दोस्तों, देश का लोकतंत्र या संविधान नहीं बल्कि कुछ लोगों का झूठ और भ्रष्टाचार का तंत्र खतरे में है। इनके बहकावे में, इनके खोखले देशभक्ति के ढकोसले में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको ठगेंगे और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। और जिस दिन आपके शहर में वोट डालने की तारीख हो, पहले मतदान फिर जलपान। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपसे कोई भी कहे कि मोदी तानाशाह है, तो गर्व से उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा और कहिएगा मैं ऐसा तानाशाह चाहिए।